बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासर अली। और आज का जो हमारा वीडियो प्रोजेक्ट या वीडियो टॉपिक है वो ये है कि इंडियन नेवी के पास जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, क्या जो फ्यूचर वॉर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसके अंदर जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हैं। अगर तो पोटेंशियल थ्रेट हैं तो पाकिस्तान इनको कैसे काउंटर कर सकता है। तो मैं नाज़रीन आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास जो शाहीन मिसाइल की सीरीज़ मौजूद है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अगर साइंटिस्ट और इंजीनियर इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें जो इसके एरोडायनामिक फ्रेम है उसके अंदर, और इसकी जो नेविगेशन सिस्टम है उसके अंदर, और स्पेशली इसके गाइडेंस सिस्टम के अंदर, तो पाकिस्तान ईजीली ना सिर्फ जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनको विद इन द 2000 किलोमीटर्स, या फिर हम इसको 1500 नॉटिकल माइल की जो रेडियस है या जो सर्कल है उसके अंदर अंदर इनको ना सिर्फ हम डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि इनको इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ये जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनकी कंप्लीट, जिनको कहते हैं 100% स्केल के ऊपर हम इनको इनकी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं वाया शाहीन मिसाइल डिलीवरी सिस्टम। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इस मिसाइल डिलीवरी सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू द सी सरफेस लेवल्स, और उसके अंदर जो उसकी जो हाई टाइड होती है या लो टाइड होती है, या उसके अंदर इसकी जो फ्लाइंग ट्रेजेक्ट्री होती है मिसाइल की, उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी ताकि वो अकॉर्डिंग टू द सी लेवल जो है अपनी फ्लाइट को जारी रखते हुए अपने टारगेट की तरफ अप्रोच करे और उसको न्यूट्रलाइज कर दे। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।